फरीद उस्ताद, ये आ गए रोहतक वाले, इनका पर्चा लिखवा ले आप, लेकिन पहले 300 मुझसे लड़ा ले आप उस्मान भाई की छत से, ठीक है बड़े भाई? और रोहतक का पहले लिखवाएंगे और जाफराबाद का लिखवाएंगे बाद में, लेकिन तारीख पहले डलेगी जाफराबाद वाले पे, और ये बैठे हैं रोहतक वाले। आप बताइए कब मुझे फोन करिए पर्सनल। आप रविंदर भाई, आप ये बताइए दानिश भाई के यहाँ मीटिंग के लिए कब आ रहे हैं? आपसे शोक करने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। रविंदर भाई, आप वीडियो में कह रहे हैं कि कोई एक हफ्ते में जवाब नहीं आया तो हम शोक बाद में करेंगे नहीं, हम एक हफ्ते के लिए कहाँ इंतजार करें? रविंदर भाई, जितना जल्दी हो सके हम तो तैयार बैठे हैं, पर्चा भरवा लो। रविंदर भाई, आपको मीटिंग के लिए दानिश भाई के यहाँ बुला रहे हैं, आपने उसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। आप ये बताओ रविंदर भाई, मीटिंग कब कर रहे हैं? और उस्ताद फरीद, आप क्यों इतनी दूर जा रहे हो रोहतक? आप मेहरबानी होगी जाफराबाद आओ, कबूतर भाई तो यहाँ पे होती है। कहाँ गाँव जा रहे हो? कोई मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, वापसी की आपको वहां से। आप यहाँ आओ। और क्या कह रहे थे आप, क्या शो आता है? मैं बताऊंगा कैसे खेलते हैं, खेलने नहीं आता तुम खेलने लगते हो। आओ जाफराबाद आओ, यहाँ से होगी कबूतरबाजी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कौन शायद बताने की जरूरत नहीं है। उस्मान भाई पर्सनली अस्सलाम वालेकुम आपको। भाई साहब क्या कह रहे हो आप? रोहतक पर रोहतक जाने दोनों उस्ताद, तुम्हारे उस्ताद भूल गए क्या रात को कुछ? अरे कुछ आता है तो जाफराबाद आओ और ये लड़ाइया लड़ो। और क्या कह रहे हैं आपके उस्ताद कि उस्ताद अख्तर शौक दिखाओ, फिर रात को भूल गए क्या तुम्हारे उस्ताद कुछ? जाफराबाद आ जाओ, ये शौक दिखाओ। रोहतक की तो बात की बात है, और मंडे को कल पर्चा लिखवा लो और अगले मंडे को लड़ा लो, ठीक है भाई साहब? उस्मान भाई तुमसे कह रहा हूं ये याद रखना, और जब तुम्हारे उस्ताद को आता नहीं तो खेलते क्यों है? ठीक है जी, उस्मान भाई जवाब जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम।